अ वेरी गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास टू की मैथ्स में बुक की एक्सरसाइज करेंगे। सो ये वीडियो नंबर 13 है आपका। ओपन योर बुक एंड योर क्वेश्चन नंबर 12 इज ड्रॉ द हैंड्स टू शो द गिवन टाइम। ठीक है, यहाँ पे एक वॉच बनी हुई है, इसमें आपको हैंड्स के थ्रू मतलब वॉच ड्रॉ करनी है। सो यहाँ पे देखिए, जो छोटी सुई है यहाँ पे, जो शॉर्ट हैंड है वो 6 पे है एंड लॉन्ग हैंड 12 पे। तो यहाँ पे ये कौन सा शो हो रहा है वॉच पे टाइम? 6 o'clock। ठीक है, ऐसे ही देखिए सेकेंड, 2:30। ठीक है, तो जो शॉर्ट हैंड है वो 2 पे होगी एंड जो लॉन्ग हैंड है वो 6 पे होगी। ओके, 10 to 10। ठीक है, इसमें आपको शॉर्ट हैंड 10 पे करनी है। ओके, फिर लॉन्ग हैंड 12 पे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, राइट द करेक्ट टाइम इन द बॉक्स। इसमें आपको टाइम शो करना है। ओके, सो 9 o'clock। अब इसमें आपको यहाँ पे बना हुआ है, शो किया है, बस आपको टाइम फिल करना है। तो यहाँ पे 11:35, क्योंकि जो शॉर्ट हैंड है वो 11 पे है और लॉन्ग हैंड 7 पे है, तो 11:35। इसको हम 11:35 भी कह सकते हैं। ऐसे ही देखिए 9:30। ठीक है, छोटी सुई आपकी 9 पे होगी और बड़ी सुई 6 पे होगी। ठीक है, अब आप क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर ए, अ ट्रायंगल हैज डैश साइड एंड डैश वर्टिस। ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। ठीक है, ट्रायंगल में कितनी साइड्स होती हैं? 3, यहाँ 3 फिल कर लेंगे एंड 3 वर्टिस होती हैं, तो 3 फिल कर लेंगे। द शेप ऑफ एन आइसक्रीम इज अ कोन। आइसक्रीम का शेप कैसा होता है? कोन, कोन जैसा होता है, तो यहाँ पे हम कोन फिल करेंगे। थर्ड देखिए, द शेप ऑफ अ फुटबॉल इज अ सर्किल। फुटबॉल का शेप कैसा होता है? सर्किल का, तो यहाँ सर्किल फिल करेंगे। द प्लेन सरफेस ऑफ अ कोन रिप्रेजेंट्स अ ट्रायंगल। ठीक है, कोन का प्लेन सरफेस क्या कहलाता है? ट्रायंगल, ये है कोन। ठीक है, इसका प्लेन सरफेस ये क्या कहलाएगा? ट्रायंगल। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या फिल करोगे? ट्रायंगल। द शेप ऑफ अ गैस सिलेंडर इज अ सिलेंड्रिकल। जो गैस सिलेंडर का शेप होता है वो कैसा होता है? सिलेंड्रिकल शेप होता है। ओके, सो आज आपने एक्सरसाइज 12 एंड एक्सरसाइज 16 फिल किया है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 16 आपको कॉपी में करना है और 12 बुक में ही करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो आज आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।